ये है अंडरग्राउंड हाउस, हमारे स्कूल का अंडरग्राउंड हाउस। तो कुछ इस तरह का मंजर है हमारे स्कूल का। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ से मैंने शिक्षा ली थी वो स्कूल। तो आप पीछे देख रहे होंगे और थंबनेल पे भी आपने देख लिया होगा। तो आइए चलिए इसके अंदर चलते हैं और फटाफट से दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू। और जो क्लासेस थी हमारी जहाँ पर मैं बैठ के पढ़ा करता था वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं। तो ये है इसका मेन गेट जो कि शीशम का बना हुआ है, काफ़ी पुराना है। ये लगभग होगा 100 साल से ऊपर का बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है लोगों ने लेसन वेसन रख लिया है। तो ये है अंदर का व्यू। और इधर की दीवार जो है पत्थरों की, ऐसे पत्थरों की बनी हुई थी, वो गिर गई है। तो एक क्लास यहाँ हुआ करती थी, ब्लैक बोर्ड बना हुआ है। एक ये कमरा है, इसमें भी क्लास लगा करती थी पहले, तो इसमें मैं नहीं पढ़ा करता था। सामने का व्यू कुछ इस तरह का है कि सामने भी कमरे बने हुए हैं। यहाँ पे किचन हुआ करती थी ये। अब वो किचन इसलिए हुआ करती थी कि पहले ये ब्राह्मणों का घर था, जो अभी फ़िलहाल तो यहाँ नहीं रहते हैं, वो चले गए आगरा। तो आगरा में उन्होंने घर बना लिया है अपना। और यहाँ पे सीढ़ी थी ऊपर जाने के लिए। तो काफ़ी टाइम हो गया है इसे बंद हुए स्कूल को, और अब तो कोई वो ही नहीं है। यहाँ पे सारा कुछ ख़त्म हो गया है स्कूल का। तो ये है स्कूल का मंजर कुछ इस तरह का, देख लीजिए दोस्तों। तो ये काफ़ी पुराना स्कूल है, पत्थरों का बना हुआ, और ये सारा कुछ नष्ट हो गया है यहाँ पे। तो ये हमारी क्लास हुआ करती थी, ये ब्लैक बोर्ड है। यहाँ पर मैं बैठा करता था, तो इसमें पढ़ता था इस कमरे में। इधर की दीवार गिर गई है, जब वो दीवार गिरी थी तो चार भैंसें दब के मर गई थी। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि इसमें एक अंडरग्राउंड हाउस और है, इसके अंदर एक अंडरग्राउंड हाउस और है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। काफ़ी भयानक है, डर लगता है यार उसके अंदर। तो फिलहाल अभी कमरे वमरे दिखा दूँ, उसके बाद आपको ले चलते हैं अंडरग्राउंड हाउस में। तो एक कमरा वहाँ पे था, उसमें वहाँ पे पढ़ता था। इसमें इस कमरे में हमारी कक्षा 9 की क्लास लगती थी। और अंदर ये जो है ये वाला कमरा है, यहाँ पे हमारी 6 7 8 8 की क्लास, 7 की क्लास लगती थी। और ये जो गैलरी टाइप की है, इसमें बैठा करता था, इसमें भी पढ़ता था। और अभी जो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, इसके नीचे जो है अंडरग्राउंड हाउस है। तो मैं अभी थोड़ा इधर से आपको दिखा दूँ, देखिए ये जो नाली बनी हुई है, ये नाली नाली है ये, जो अंडरग्राउंड हाउस में रोशनी देने के लिए बनी हुई है। तो अभी इसमें चमगादड़ों ने घर बना लिया है। और इधर भी है एक कमरा, एक कमरा इधर है। छत काफ़ी पुरानी हो गई है, तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा इसके। तो ये काफ़ी पुराना स्कूल है, और पुराना घर मान लो, कुछ भी मान लो, पत्थरों का बना हुआ घर पुराना है। तो इसी में शिक्षा ली थी मैंने पहले, यहाँ पे पढ़ाई हुआ करती थी। तो जो जिनका घर हुआ करता था वो स्कूल की वजह से छोड़ गए कि स्कूल चलाओ अपना, इसमें इस वजह से छोड़ गए। तो ये गमला है पुराना, काफ़ी बड़ा गमला है, और इसमें कभी तुलसी का पेड़ हुआ करता था। तो अब तो तुलसी वुलसी इसमें नष्ट हो गई, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और इसमें उसी टाइम का देखो, ये पत्थर भी पड़ा हुआ है जो पहले इसी में रखा था, तुलसी लगी थी। लड़के चढ़ गए दीवार पे। तो चलिए थोड़ा दिखाते हैं आपको ऊपर चढ़ के, ऊपर से व्यू दिखाते हैं। ये दीवार जो घिर गई है, सीढ़ी का काम कर रही है अभी, तो मैं इसी तरफ इसी से चढ़ जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का मंजर है हमारे स्कूल का, है ना, किला टाइप का एकदम, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो दोस्तों मैं इन दीवारों में पहले खूब चला करता था, और अब चढ़ने में थोड़ा डर लग रहा है, ये पुराना हो गया है, कहीं गिर जाए टूट जाए। तो कुछ इस तरह का मंजर है भाई हमारे स्कूल का, देख लीजिए।
तो एक अंडरग्राउंड घर है, तो चलिए वो दिखाते हैं मैं आपको फटाफट से। तो दोस्तों देखो, मैंने ऊपर से ही दिखा दे रहा हूँ, ये जो गेट है वो अंडरग्राउंड हाउस का है। और चलते हैं नीचे से दिखाते हैं, थोड़ा सा यहाँ से नहीं दिख रहा है आपको साफ से, नीचे दिखाता हूँ। तो अभी मैं, ये टूटी हुई दीवार है, यहाँ से उतरूँगा। ये लड़के उतर रहे हैं, ये हमारे गांव के ही साथ के। वीडियो पॉज कर ले रहा हूँ अभी, और बाद में प्ले करूँगा। तो फाइनली मैं आ गया हूँ नीचे, और चलो दिखाते हैं आपको अंडरग्राउंड वाला हाउस। ओ, काफ़ी झाड़ी हो गई है भाई, सांप सूप कुछ भी हो सकता है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ गेट पर। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है अंडरग्राउंड हाउस का रास्ता, जो कि काफ़ी डरावना है यार, बहुत अंदर तक है। तो भाई ये हो गया है थोड़ा मंजर ख़राब, तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा किसी भी हालत पे। इस तरफ देखते हैं क्या है। तो यहाँ भी एक कमरा है, एक कमरा इधर है, और पहले इसमें सांप बहुत निकला करते थे, तो अभी सांप वाँप हो सकते हैं, झाड़ी बहुत हो गई है, काफ़ी डर भी लगता है इसके अंदर। तो चलिए फटाफट से चलते हैं बाहर। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।